उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी के। टुडे इज़ द मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स। टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। आई एम गोइंग टू कीप दिस टॉपिक शॉर्ट। वी आर गोइंग टू हैव अ लेक्चर ऑफ अबाउट 20 to 25 मिनट्स जस्ट टू सी इट्स वायबिलिटी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। कुछ ऐसे कि जब आप फिज़िकली क्लास में प्रेजेंट होते हैं और अगर उसे आप कंपेयर करें इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस से, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वजह ये है कि फिज़िकली जब आप प्रेजेंट होते हैं तो एक एनवायरनमेंट उस तरह का होता है, टीचर आपके सामने मौजूद होता है, अटेंटिव होकर बात सुन सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठ के, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सेटिस्फैक्शन का वो लेवल नहीं होगा जो कि फिज़िकली क्लास लेने से होता है। बहुत डिफ़िकल्ट होगा शुरू में ग्रैप करना कॉन्सेप्ट्स और उन्हें आगे लेके चलना। तो आपने कोशिश करनी है कि जो लेक्चर है उसे भी फॉलो करें, जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो भी पूछें, और इसके अलावा आप अपना जो है वर्क्स को फॉलो करें, बीडी चौरसिया फॉलो करें, स्नेल्स करें, ग्रेज करें, जो आपका दिल करता है वो बुक पढ़ें। बट स्नेल्स एंड ग्रेज आर वेरी डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया इज़ अ वेरी सिंपल बुक रिटन इन वेरी सिंपल वर्ड्स, तो ट्राई टू फॉलो दैट। तो ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम थिंग्स अबाउट एनाटमी, लाइक वट इज एनाटमी, वट इज इज डेफिनेशन, वट आर इट्स ब्रांचेज, द डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज इन एनाटमी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। देन ग्रॉस एनाटमी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बॉडी कैविटीज़ की बात करेंगे, मेम्ब्रेन्स की, एब्डोमिनल रीजन्स और क्वाड्रेंट्स की, तो उसके अलावा कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो क्लिनिकल एनाटमी में यूज़ होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एनाटमी? तो एनाटमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनाटमी। एनाटमी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन सिस्टम्स, इन सब के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने का नाम है। कि लेट्स सपोज जैसे हम बात करते हैं स्टमक के बारे में, तो स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे लोकेटेड होता है और उसके इंटरैक्शंस क्या हैं, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं एनाटमी के अंदर। एनाटमी बेसिस है आपके क्लिनिकल नॉलेज की। अगर आपको स्ट्रक्चर का पता होगा तो फंक्शन बेहतर से समझ सकते हैं फिजियोलॉजी में, उसकी डिजीजेस बेहतर समझ सकते हैं पैथोलॉजी में, और उसे ट्रीट अच्छे से कर सकते हैं इंटरनल मेडिसिन में या सर्जरी में। एनाटमी जो है वो आपकी बेस है जो आपने स्ट्रॉन्ग करनी है। खैर, एनाटमी के बारे में आगे बात करते हैं। तो जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ होती है आज दुनिया में, दैट इज़ बेस्ड ऑन एंशियंट ग्रीक और लैटिन टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमी का लफ्ज जो है वो एनाटोमे से निकला है, ठीक है। एनाटोमे क्या है? एनाटोमे ग्रीक लफ्ज था जिसका मतलब था डाइसेक्शन। तो एनाटॉमी में हम करते क्या है, डाइसेक्शन करते हैं, तो वो इसलिए ग्रीक एनाटोमे वर्ड से निकला। लैटिन जो टर्मिनोलॉजी जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी, वो लैटिन लैंग्वेज से डेराइव है। अच्छा, अब एनाटॉमी का फ़ायदा क्या है? ये जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, इसका फ़ायदा ये है कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्डाइज्ड नॉमनक्लेचर हमें मिल जाता है। आप यहाँ का डॉक्टर जो पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है, वो साउथ अफ्रीका जाके किसी डॉक्टर को समझाने की कोशिश करेगा कि मेरे लेट्स सपोज जो है मेरे ब्रेकियोरेडियालिस मसल में पेन है, ठीक है, या उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरी जो है एंटीरियर फोसा फला बोन का उसमें प्रॉब्लम हुई हुई है, तो वो इजीली ये चीज़ समझ सकता है कि ये किस चीज़ के बारे में, किस ऑर्गन के किस पार्ट के बारे में बात कर। ये किसकी वजह से? ये स्टैंडर्डाइज सिस्टम की वजह से जो एनाटॉमी हमें प्रोवाइड कर रही है। खैर, एनाटॉमी को हम जनरली
दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं जो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं उसको. वन इज मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड द अदर वन इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. ठीक है, पहले बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक. तो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी को कहते हैं जिन्हें हम नॉर्मली देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसके लिए देखने के लिए हमें किसी मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. तो विदाउट द एड ऑफ मैग्नीफिकेशन जिन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं इन मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और ग्रॉस एनाटॉमी में. सेकेंड टाइप जो आ जाती है वो है माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है वो नाम है उन स्ट्रक्चर्स का जिन्हें हम नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है. जैसे कि टिश्यू स्पेसिमेंट्स, सेल्स, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. तो ये हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, या जनरल हम देखना चाहते हैं ह्यूमरस का स्ट्रक्चर, तो वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं. तो वो ग्रॉस एनाटॉमी में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, एनाटॉमी की इम्पोर्टेंस क्या है, हम पढ़ते क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग एनाटॉमी. एनाटॉमी फॉर्म्स द बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड इट लीड्स द फिजिशियन टूवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पेशेंट्स डिजीज. जो भी प्रॉब्लम जिस भी पार्ट में हो रही है वो पार्ट का नॉर्मल आर्किटेक्चर कैसा होता है ये आपको एनाटॉमी बताएगी. अब उसमें चेंजेस क्या आए हैं वो फिर पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं. तो एनाटॉमी हमें हमारे मरीज को ट्रीट करने में मदद देती है. अब बात कर लेते हैं एनाटॉमी की सब डिविजन्स के बारे में. तो एनाटॉमी की डिफरेंट सब डिविजन्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनके बारे में हमने बात कर दी है. जो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं वो बेसिकली कैडाटेरिक एनाटॉमी है. ठीक है, जो हम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्यों हमें कैडावर्स पे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है. तो कैडाटेरिक एनाटॉमी है जिसमें हम डेड बॉडी को या एम्बाम्ड बॉडी, जिसे हनूत किया हुआ होता है, जिसे स्टोर किया हुआ होता है, प्रिजर्व किया हुआ होता है, उसे हम देख के उसे स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स. दो किस्म की अप्रोचेज हैं जिनके जरिए इन्हें स्टडी किया जा सकता है. वन इज स्टडिंग बाय रीजनल एनाटॉमी मेथड, सेकेंड इज सिस्टेमिक एनाटॉमी. रीजनल एनाटॉमी क्या होती है और सिस्टेमिक क्या होती है, अब इसके बारे में बात करते हैं. तो रीजनल एनाटॉमी कहते हैं जिसमें बॉडी को पार्ट्स में स्टडी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हैंड को. ठीक है, हैंड को, अपर लिम को ले लेते हैं. तो हम अगर हैंड से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हम हैंड में पढ़ते हैं कि उसकी स्किन होती है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू है, उसके नीचे मसल्स की लेयर है, कौन कौन से मसल्स होते हैं, कौन कौन से बोन्स होती हैं, मसल्स की अटैचमेंट कहाँ पे है, कौन सी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स उसमें से गुजरती हैं, ये सारी चीज़ें जो उस रीजन में वाक़ हैं, ये सब की सब अगर हम इकट्ठी स्टडी करते हैं, अपर लिम की या लोअर लिम की या थोरेक्स की या चेस्ट की या एब्डोमेन की, तो इस स्टडी को हम कहेंगे रीजनल एनाटॉमी. ऑन द अदर हैंड सिस्टेमिक एनाटॉमी होता है जब हम एक स्पेसिफिक सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं. जैसे कि अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम ले लेते हैं, अब उसे स्टडी करते हैं माउथ से लेके एनल कैविटी तक फूड कहाँ से होके गुजरता है, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम और एलिमेंट्री ट्रैक्ट. तो उसे हम स्टडी करते हैं उसमें. इसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सारी बॉडी का हम स्टडी करते हैं एक चैप्टर पर, जैसे कि न्यूरोलॉजी में करेंगे हम, तो दैट इज अनदर अप्रोच ऑफ सिस्टेमिक एनाटॉमी. हमने अभी जनरल एनाटॉमी पढ़नी है, इसके बाद हम सिस्टेमिक एनाटॉमी पढ़ेंगे. रीजनल एनाटॉमी आपकी सेकेंड ईयर में आएगी जब आपको इस अप्रोच का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा, सिस्टेमिक एनाटॉमी वाली अप्रोच का. फिर रीजनल और सिस्टेमिक एनाटॉमी में की डिफरेंसेस होते हैं, कुछ क्या डिफरेंसेस होते हैं. हम सिस्टेमिक एनाटॉमी में ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, मतलब अगर आपके पास ये आपको दे देते हैं लेट्स सपोज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है,
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप हार्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ हार्ट के बारे में बात करनी है, उसके स्ट्रक्चर्स की, उनकी सब चीज़ों की। ऑन द अदर हैंड रीजनल एनाटॉमी में क्या होगा, आप थॉरेक्स को स्टडी करेंगे, उसमें हार्ट आ जाएगा, हार्ट के आगे क्या मौजूद है, इसोफेगस उसके सामने से गुजर रही है, उसके पीछे क्या मौजूद है, वर्टेब्राज मौजूद है, उसके राइट और लेफ्ट पे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो पूरी की पूरी रीजन को हम स्टडी करेंगे उसमें, ठीक है। इसी तरह से जो है इसके मेथड्स भी डिफरेंट होते हैं स्टडी के। सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, जबकि रीजनल एनाटॉमी में डिसेक्ट करके देखना पड़ता है कि लेयर्स में सुपरफिशियली क्या पड़ा हुआ है, डीप क्या पड़ा हुआ। ये प्रैक्टिकल चीज़ें जब प्रैक्टिकल्स करेंगे हम तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और इसके एम्स क्या होते हैं, सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स शेप साइज क्या है वो, और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ऑन दी अदर हैंड रीजनल एनाटॉमी में हम उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उसके एंटीरियरली पोस्टीरियरली ऊपर नीचे आगे पीछे कौन से स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, क्या उसका उसके साथ रिलेशन है, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ से उसमें ब्लड सप्लाई जा रही है, कहाँ से उसकी नर्व सप्लाई आ रही है, कहाँ पर ब्लॉकेड होगा तो वो इफेक्ट होगा, कहाँ पर होगा तो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम रीजनल एनाटॉमी में स्टडी करते हैं इस तरह से। फिर और इसकी एनाटॉमी की टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ये सिर्फ गो थ्रू हमने करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। सो लिविंग एनाटॉमी वो है जिसमें हम एक लिविंग बीइंग की एनाटॉमिक करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं बाय इंस्पेक्शन, पल्पेशन, प्रोग्रेशन, ऑस्कल्टेशन, या बाय एंडोस्कोपी, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जो नॉर्मली हम हॉस्पिटल्स में टेस्ट वगैरह करते हैं या एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, ये लिविंग एनाटॉमी की ब्रांच में कवर होता है। एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी वो है जिसमें हम प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेजेस को देखते हैं कि बच्चा जब होता है यूट्राइन कैविटी के अंदर पल रहा होता है, तो वो पैदाइश से पहले किस तरह से उसके ऑर्गन डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के, डिफरेंट टिश्यूज के। सरफेस एनाटॉमी जो है ये, इसे सर्जिकल एनाटॉमी भी कहा जाता है, ये डील करती है बेसिकली कि लेट्स सपोज एक सर्जन है, जब उसने इंसीजन देना होता है तो उसे पता होता है कि मैं जिस जगह पे इंसीजन दे रहा हूँ यहाँ पे स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, उसके नीचे फौरन बाद कौन सा मसल आएगा, या उसके बाद कौन सी मेम्ब्रेन आएगी, कौन सी कैविटी आएगी, ये चीज़ें सारी हम सर्जिकल एनाटॉमी में, सर्फेस एनाटॉमी में स्टडी करते हैं, तो सर्जन्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, इसमें हम सीटी स्कैन्स, एक्सरेज, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। कंपैरेटिव एनाटॉमी है जिसमें हम एनिमल्स की डिफरेंट एनाटॉमीज को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, डिफरेंट रेसेस, ग्रुप्स ऑफ पीपल के दरमियान में क्या एनाटॉमिक चेंजेस है उसे देखते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी जो है ये मेडिकल और सर्जिकल प्रैक्टिस में यूज़ होती है, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स है जिसमें हम क्रोमोसोम्स को स्टडी करेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे। ओके, सो अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। सो बेसिकली एनाटॉमी में मैंने आपको पहले बताया कि लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स यूज होते हैं, नॉमेनक्लेचर यूज होता है। आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ होगा 10+2 में कि जैसे डिफरेंट स्पीशीज के हमने डिफरेंट नाम दिए हुए थे, एनिमल्स के डिफरेंट थे, प्लांट्स के डिफरेंट थे, जैसे ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहते हैं, वो लैटिन से डिराइव्ड हैं दोनों वर्ड्स। इसी तरह से एनाटॉमिकल जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके नाम भी इसी से डिराइव्ड हैं लैटिन लैंग्वेज से, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो नॉमिना एनाटॉमिका वो बुक है जिसमें
तमाम लिस्ट मौजूद है एनाटॉमिकल टर्म्स की। अब हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। तो एनाटॉमी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली, जो फर्स्ट चीज़ जो समझने वाली है, दैट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन। तो हम जब भी किसी भी ऑर्गन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में एनाटॉमी में बात करते हैं, तो हम यही प्रिज्यूम करते हैं कि वो पेशेंट या वो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन है व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आईज लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, बोथ फीट टुगेदर। दिस पोजीशन इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब आपके सामने बंदा इस तरह से खड़ा है कि आंखों से सामने देख रहा है, हाथ उसकी बॉडी के साइड में, दोनों बाजू हाथ उसने जो है पाम्स वो सामने की साइड पे किए हुए हैं, दोनों उसके जो है पाँव वापस पर जुड़े हुए हैं और सामने की तरफ अटेंटिव होके खड़ा हुआ है। दिस इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन। इसके साथ दो और पोजीशंस की बात कर लेते हैं, आगे बात भी करेंगे, इसके बारे में डिस्कस होती है। तो सुपाइन पोजीशन कहते हैं ऐसी पोजीशन को जिसमें कि वो पर्सन जो है वो लेटा हुआ हो, ठीक है, ये सुपाइन है, लेटा हुआ है, हाथ उसके साथ में दोनों साइडों पे लाई कर रहे हैं विद पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स। ऑन द अदर हैंड वन इज प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन जिसमें उल्टा लेटा हुआ है, ठीक है, फेसिंग द बेड और पाम्स आर टूवर्ड्स द स्काई। सो व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन हिज और हर बैक, आर्म्स बाय द साइड, पाम्स फेसिंग अपवर्ड एंड द फीट आर पुट टुगेदर, द पोजीशन इज सुपाइन पोजीशन। वेयर एज व्हेन द पर्सन इज लाइंग ऑन हिज और हर फेस विद चेस्ट एंड एब्डोमेन, इज सेड टू बी इन प्रोन पोजीशन। तो ये चीज थी। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल एक्सिस के बारे में या प्लेन्स के बारे में। अच्छा, फर्स्ट जो है चीज़ यहाँ पे वो है सेजाइटल प्लेन और मिड सेजाइटल प्लेन। अच्छा बच्चे, ये अब इस तरह से कि अगर हम एक पर्सन को इस तरह से कट करते हैं कि उसे हम राइट और लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेजिटल और सेजाइटल प्लेन, ठीक है। अगर हमारी वो जो कट सेक्शन है, जो लाइन है, वो गुजरी बिल्कुल दरमियान से कि वो इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड करते हैं, मतलब एक आंख एक तरफ दूसरी दूसरी तरफ, नॉस्ट्रिल को हम इस तरह से बिल्कुल दरमियान में से गुजार रहे हैं कि वो दो इक्वल हाफ्स में बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लाइन जो बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, इस लाइन को कहते हैं मीडियन प्लेन और मिड सेजिटल प्लेन, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं कोरोनल प्लेन, उस प्लेन को कहते हैं जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, मतलब इस तरह से हम कट करें कि सामने और पीछे के हिस्से में इसे डिवाइड कर रहे हैं। ये मैं आपको यहाँ से समझा सकता हूँ। लेट सपोज ये यहाँ पे पर्सन आपके सामने खड़ा हुआ है, मौजूद है। अच्छा, हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींचे कि इसे आगे और पीछे में डिवाइड कर दो, ठीक हो गया, समझ आ गया। अब ये वाला जो था, अब जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये वाला था सेजिटल प्लेन, जबकि ये वाला जो ऊपर वाला है ये था कोरोनल प्लेन, ठीक है। तो कोरोनल प्लेन वर्टिकल प्लेन को कहते हैं जो इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है बॉडी को। ओके, सेजिटल प्लेन उसे कहते हैं जो राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा, अब अगर हम इस तरह से लेते हैं कट सेक्शन लेते हैं कि वो इसके सेजिटल प्लेन के भी 90 डिग्रीज के एंगल पे और कोरोनल प्लेन के भी 90 डिग्रीज के एंगल पे, मतलब ये जो इस तरह से कट कर रहा है कि वो अप और लोअर पोर्शन में डिवाइड कर देता है। जैसे कि हम एक कट सेक्शन लेते, सपोज हम यहाँ से लेते हैं इस तरह से, तो इस तरह से जैसे सीटी स्कैन में कट सेक्शन लिए हुए होते हैं,
तो ये वाले लिए होता है, तो ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक हो गया। तो जो कट सेक्शन इस तरह से लें कि वो डिवाइड करे राइट और लेफ्ट में, दैट इज सेजिटल, दिस वन इज ट्रांसवर्स, दिस वन इज कोरोना, ओके। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम टर्म्स ऑफ डायरेक्शन इन एनाटॉमी। सो ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, आपने याद रखनी। तो जो टर्म्स डिफरेंट हम यूज़ करते हैं एनाटॉमी में रिगार्डिंग द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ पार्ट इन रिलेशन टू द अदर पार्ट, उनमें ज़्यादातर यही टर्म्स यूज होती हैं। एक जो टर्म यूज होती है दैट इज सुपीरियर। When we say something is superior to the other part, superior means it is towards the head or towards the upper part. Let's suppose when we are talking about an arm. Arm ki hum baat kar rahe hain, to arm is in the just a second. This part of arm is inferior to the this part of arm, okay. So this part is superior, this part is inferior. Inferior is away from the head, superior is towards the head, okay. So a very good example is given here. The head is superior to the abdomen. On the other hand, the navel, this is the navel region, it is inferior to the chin. Okay, then there are two things, anterior and posterior. Anterior is anything that is facing forwards. Forward facing, this side is anterior, which is towards the front of the body. This is towards the back of the body. So, agar hum baat karte hain iske bare mein, to nose is anteriorly located as compared to or skull, ठीक है। तो nose जो है बाहर की तरफ आया हुआ है। देखें अगर हम base of skull की बात करते हैं, उससे nose anteriorly located है, उधर आया है, base of skull is posteriorly located, इसके बाद कुछ और terms of direction की बात करते हैं। पोस्टीरियर मैंने आपको बता दिया। देन देयर इज अ टर्म व्हिच इज मीडियल एंड लैटरल। ओके, सो लेट्स सी इन दिस पिक्चर, एनीथिंग व्हिच इज क्लोजर टू द मिड लाइन, एनीथिंग व्हिच इज क्लोजर टू द मिड लाइन, दिस इज द मिड लाइन। जो चीज इसके ज्यादा करीब होगी वो मीडियल होगी, जो चीज इससे दूर होगी वो लैटरल होगी, ठीक हो गया। मीन्स ये पॉइंट वन जो है, दिस इज मीडियल एज कम्पेयर टू पॉइंट टू। पॉइंट टू इज लैटरल, वेयर इज पॉइंट वन इज मीडियल इन द बॉडी। इंटरमीडिएट इज बिटवीन मीडियल एंड लैटरल पोजिशन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमल की और डिस्टल की। प्रॉक्सिमल और डिस्टल की टर्म्स कहाँ पे यूज की जाती है? प्रॉक्सिमल कहते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल यूज की जाती है अपेंडिजेस के लिए। अपेंडिजेस क्या है? हमारे दोनों बाजू और हमारे दोनों टांगे। तो ये जो इनकी अटैचमेंट होती है, सॉरी, जो इनकी अटैचमेंट है ये ट्रंक के साथ, जो हिस्सा इसके ज़्यादा करीब होगा उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल, और जो इससे दूर होगा उसे हम कहेंगे डिस्टल, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि थाई इज प्रॉक्सिमल एज कम्पेयर टू द फुट, ओके। फुट इज डिस्टल टू, डिस्टली लोकेटेड टू थाई। इसी तरह से अगर हैंड्स की बात करें, arms are proximally located whereas hands are distally located,
लास्ट जो टर्म्स है वो है सुपरफिशियल एंड डीप. सुपरफिशियल इज एनीथिंग विच इज आउटसाइड और इट इज टूवर्ड्स द बॉडी सर्फेस, वेयर इज डीप इज एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम द बॉडी सर्फेस और लोकेटेड मोर इंटरनली. द स्किन इज अ सुपरफिशियल ऑर्गन वेयर एज द हार्ट इज अ डीप ऑर्गन. ओके, मुझे ये कुछ रीजन्स दी हुई है, इनके बारे में बात कर लेते हैं. सो हमें पता है हेड किसे कहते हैं, हेड के बाद नेक. दिस इज अ क्रॉस क्रॉस ओवर व्यू ऑफ क्रॉस एनाटॉमी. सो देयर इज हेड रीजन, द नेक रीजन, देन दिस चेस्ट रीजन वेयर द लंग्स आर लोकेटेड. दिस इज नोन एज थोरेक्स और थोरेसिक कैविटी. Okay, then there is abdomen, then there is pelvis, perineum where the genitals are located, and both the arms and both the legs they form appendicular region. They are also known as limbs. This is an example of hierarchy of structure and organization. Our body is on the microscopic, on the smallest possible level, is made up of different atoms which combine to form molecules. Molecules then combine to form different organelles in cells. Cells then combine and make up tissues. Tissues then combine, same type of tissues combine, and they form organs. Organs form organ systems and then a human being. Iski example kya, example hum ye le sakte hain ki a simple myocyte, ek tissue hota hai jo muscles mein maujood hota hai, wo ikatthe hoke muscle banata hai. Myocyte cell hota hai jo muscle tissue banata hai, wo ikatthe hoke muscle banata hai. Body ke sare muscles aur baki sab cheeze ikatthe hoke बोन्स और मसल्स इकट्ठे होकर मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होकर एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं. अच्छा, अब बात कर लेते हैं बॉडी में टोटल ऑर्गन सिस्टम्स कितने. तो ऑर्गन सिस्टम्स जो है बॉडी में वो ये है, इंटेग्यूमेंट्री स्किन को कहते हैं, देन देयर इज स्केलेटल सिस्टम, उसमें बोन्स आ जाती हैं, बोन्स आ जाती हैं. देयर इज मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम में नर्व स्टडी करते हैं, एंडोक्राइन में डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, कार्डियोवास्कुलर में हम स्टडी करते हैं हार्ट को और डिफरेंट ब्लड वेसल्स को, लिम्फैटिक सिस्टम डील्स विद लिम्फ नोड्स एंड लिम्फैटिक चैनल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम स्टडी करते हैं अबाउट द लंग्स, about the air exchange that takes place in the body. Digestive system or gastrointestinal system deals with absorption of food and production of feces, etc. Urinary system is all about filtration of the blood, production of urine and then excretion of urine. Reproductive system is about producing a newborn child, producing a offspring.